तुझे पता मैं अभी क्या विश कर रहा था? इसका इंस्टाग्राम ग्रो कर गया था अभी 25,000 इसका फॉलोअर था इंस्टाग्राम पे, पूरी आईडी शाईडी सब रिमूव कर दिया हुआ है। भाई जैसे तुम्हारा काम राइडिंग का है मान लो, ठीक है तुम्हारा काम राइडिंग का है, मेरा काम ऐप का है, मैं अकाउंट वगैरह ऐड करता हूं जो करवाता है उससे मैं पैसे लेता हूं, तुम राइडिंग और भाई तुम राइडिंग से पैसे लेते हो, भाई देखो सबका अपना अपना काम होता है। तो 3 लाख रुपए लेता है हैक करने का अकाउंट, तो फिर मर्सिडीज वगैरह तेरे घर पे खड़ी होगी शायद। 159 160। ओ भाई ऑल्टो को क्या कर दिया, टायर्स के बाहर निकल तो नहीं जाएंगे? मेरा क्लच फ्री हो गया यार, क्लच दब ही नहीं रहा है। मतलब हम बाइक भी तो ये चलाते हैं, अगर कहीं गिर गया होता रास्ते में तो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से अपने घर से करते हैं, एंड सबसे पहले मैं तुम्हें बाहर का वेदर दिखाऊंगा। भाई आज सूरज मामा को पता नहीं क्या हो गया भाई, इतनी ज्यादा गर्मी है ना, ऊपर से स्प्रिंग सीजन आ गया तो पेड़ पौधों पे ना एकदम से ग्रीनरी वगैरह आ चुकी है, और ना जब गर्मी आती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ब्लॉग वगैरह हम परमानेंटली करेंगे। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं हम यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ पे ना मेरे को अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाने। तो फाइनली गाइस अपना फुल पावर मोटो व्लॉगिंग सेटअप लेके चले हैं, और अपनी रानी को, भाई रानी तो नहीं बोल रहे थे तुम, इसको बेबी बोल रहे थे, तो बेबी को लेके जाएंगे। बताओ कमेंट करके कैसी लग रही है, और आज देखेंगे भाई 163 से ऊपर जाती है नहीं जाते, कुछ चीजें इसमें चेंज करवानी, जैसे कि इसके पीरियोडिक सर्विस जो है वो आ गई हुई है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, यहाँ पे एक सेटिंग की होती है सामने, चेक करो ये सेटिंग की ना, जब सामने आती है आज ना बेबी के साथ बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं हम, क्योंकि भाई आज 163 से ऊपर मैं देखना चाहूंगा ये बाइक जाती है या नहीं जाती, क्योंकि इसकी पीरियोडिक सर्विस है वो पहले हम करवा लेंगे जब भी अभी मेरे को टाइम मिलेगा। अभी मेन चीज है कि सर्विस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कौन सेट है ना अंदर वाली साइड वो भी हिल रहा है। एक्सीडेंट हुआ था बाइक को, तो जब उन्होंने हैंडल नया लगवाया था थोड़ा ना बबल करता भाई, मुझे पता कि जो कंपनी की लगाई हुई चीज होती है ना ओरिजिनल, भाई उसकी केयर करो तुम, बाद में अगर तो वो टूट जाती है फिर वो वैसा नहीं बन पाती जैसे वो पहले होती है, उनके पास जब पैसे वगैरह आते हैं ना वो पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। हम ऐसे नहीं है भाई, जिस बाइक ने हमें उठाया हुआ है तो हमेशा मैं इसको क्लीन रखूंगा, और ना ही मैं कभी इसको सेल करूंगा अपनी जिंदगी में, चाहे मेरे को पैसों की कितनी भी नीड पड़े ना कभी भी। इसका 400cc भी जल्दी जब आएगा तो फिर मेरे को चाहे लोन लेना पड़े, कुछ भी करूं मैं ऊपर वाले ना चाहा, तो फिर हमारे पास बहुत सारी सुपर बाइक्स भी आने वाली हैं। पर वुल्फ फैमिली को मैं एक बात बोलूं तो ये ना यूट्यूब एक लक पे भी चलता है, तुम्हारा लक मैटर करता है भाई। देखो वुल्फ वाला जो वीडियो था ना भाई मिलियंस में चले गया था, आज भाई तुम्हारा तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी दिखाएगा फुल पावर, क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉग में हमारे कैमरे की बैटरी नहीं थी भाई। ओके तो ये देख रहे हो सामने जम्मू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं भाई, अपना स्टडीज करते हैं, तो यहाँ पे ना सर चेक वगैरह भी करते हैं। देखो ये हमारी यूनिवर्सिटी की लुक है जो अंदर वाली साइड है, यहाँ पे मेन चीज पेड़ पौधे बहुत ज्यादा यार, यहाँ पे ग्रीनरी जो है ना मां कसम इतना मजा आता है, फ्रेश ऑक्सीजन ऐसा ना पूरा जम्मू में नहीं है भाई जैसा हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर है। ये हमारा डिपार्टमेंट है भाई डिस्टेंस वाला, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा रश है। तो चलो अब यहाँ पे हम अपनी बाइक को पार्क करके रखते हैं अंदर वाली साइड। सो फाइनली गाइस ये हमारा डिस्टेंस डिपार्टमेंट, तो यहाँ से हम अपने मास्टर्स कर रहे हैं जो कि सोशियोलॉजी में कर रहे हैं, क्योंकि भाई सारे ना हमें असाइनमेंट वगैरह देने पड़ते हैं यहाँ पे आके, तो बाकी ना स्टडीज वगैरह क्लासेस तो होती नहीं है। गाइस आपको पता मेरे को यहाँ पे शर्म आ रही है व्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि सारे ऐसे देख रहे हैं भाई स्टेयर कर रहे हैं। तो जस्ट मैंने अभी असाइनमेंट अपनी सबमिट कर दी है, तो अपने बहुत सारे बच्चे थे मेरे को ना शर्म आती है भाई व्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे जम्मू में ना व्लॉगर्स के लिए ना ऐसे सोचते हैं कि स्टंटबाज है ये सारी चीजें, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता व्लॉग शूट करना भाई सबके सामने। असाइनमेंट वगैरह ना सबमिट करवा दिया अंदर, तो ये चेक करें हमारी आर स्टूडेंट भाई यहाँ पे लगी हुई है। गाइस आपको पता जब हमारा कॉलेज लाइफ था ना भाई, तब हमारा कॉलेज साथ में ही है इसके, तो हम ना मोस्टली यूनिवर्सिटी आते थे लंच वगैरह करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन जो है ना बहुत अच्छी है, तो वो भी तुम्हें दिखाने वाला हूं यहाँ से आगे। यहाँ पे एक स्टेडियम भी है बैक वाली साइड, देखो भाई कितना प्यारा स्टेडियम है। तो ये थी वो कैंटीन छोटी सी भाई, उस टाइम हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे। गाइस अभी तुम सामने देख रहे हो मेरे को कौन मिल गया भाई यहाँ से, क्या हाल है? तुझे पता है मैं अभी क्या विश कर रहा था? ऊपर उठा हेलमेट तो उठाना, मैंने बोला था अभी हल्यान मिलेगा मेरे को, कसम से मैंने विश की तेरी उम्र लंबी हो जाएगी यार। हाँ चल यार ये मांग लिया, ये दुआ कर वो पूरी हुई तो अगली। चल देखो ये फुल पावर अभी केटीएम है यार, केटीएम तो आगे निकली जाती है, लेकिन सुपर बाइक के साथ साथ में हम रहेंगे यार। पता नहीं मैं सच बोल रहा था कि मेरे को लगता था आलियान इसी टाइम निकलता है व्लॉग शूट करने के लिए, तो तभी मैंने सोचा तो चलो निकलते यहाँ से अरमान के साथ मिलने। टॉप एंड कितना जाता है इसका? 170। मेरी तो 175 जा रही है, जितनी मैं सर्विस आगे करवाऊंगा तो इतनी ज्यादा होने वाला है। ओ भाई तो चलो लीन मारते आलियान के साथ। सो गाइस अभी मैं अरमान के पास आया हुआ था यहाँ पे, आपको पता है इसका इंस्टा ना हैक कर दिया किसी बंदे ने भाई, उत्तराखंड का बंदा है, एंड इसका ना 25K फॉलोअर थे भाई इंस्टाग्राम पे, बंदा इतना परेशान है ना अरमान, अंदर रोने वाली शक्ल होगी इसके, अब बहुत मेहनत की थी इसने इंस्टाग्राम के लिए। अब हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि यार अकाउंट को वापस दे दे तू यार, मैं अंदर जाता हूँ तुम्हें अरमान के साथ भी मिलवाता हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी का बस समझ नहीं आ रही है, सर्च कर रहे हैं किसी के फोन पे हो नहीं रहे, छोटा फोन है लावा का। फोन नंबर देखना जरा, भाई का ही रजिस्टर था ना यहाँ पे, मैंने अभी चेक किया है। देखो यार अपने बंदों के साथ तुम झूठ बोल रहे हो, जम्मू का नंबर बोल रहा है ये बंदा है भाई, सुबह के भाई 6:50 पे चेंज किया हुआ है ये, इसके बाद ईमेल भी चेंज कर दिया है, मलिक सदाम 2 ये है न्यू ईमेल। फोन नहीं है फोन नहीं मेरे पास,
भाई बोल यार VT400। अब इसने अरमान ने मेहनत की थी ना बहुत ज्यादा चैनल इस पे, इसका इंस्टाग्राम ग्रो कर गया था, अभी 25,000 इसका फॉलोअर था इंस्टाग्राम पे, पूरी आईडी सब रिमूव कर दिया हुआ है। आपका फोन नंबर रजिस्टर है ना, ये देखो ना यार अरमान व्लॉग का फोन नंबर चेंज किया हुआ यहाँ से। अरमान भाई को तो भाई मैं जानता हूँ ना, मैंने मैसेज दिया एक बार ना, जब मैं पहले 9th में था ना, जब मेरे को फोन आया था लॉकडाउन में। अच्छा हाँ, तो भैया मैंने उन्हें मैसेज करा था, उन्होंने सीन ही नहीं करा था, यूट्यूब देखता था उनके लग गए भाई इसके। भाई तुझे जानता है 9th से कोई दुश्मनी है बंदे को, बता भाई क्या दुश्मनी यार, बोल यार। भाई बंदे ने फॉलोअर यार बड़ी मेहनत से किया था यूट्यूब ग्रो यार, अभी 26,000 इसके फॉलोअर थे। आपकी देखो जो आपने स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करा उसमें VT400 वाला नीचे तो अकाउंट है आपका भाई, जीमेल वाला की मेल है नीचे वाली, ये बताओ पहले जो VT वाली है 400 वाली। अरे भाई अभी भाई ये पता करो ना किसकी भाई, मुझे थोड़ी पता है भाई। ओ भाई मेरे स्क्रीनशॉट पर भेजे, तूने पी के रखी हुई है क्या? ऊपर तू मेरा स्क्रीनशॉट में तेरी आईडी है ना, योर पासवर्ड वाज चेंज, ये आपकी ईमेल है सब कुछ बता रहा वहाँ पे, उसमें आपकी आईडी मेंशन है ना वहाँ पे VT400 वाली। नहीं प्रॉब्लम क्या है, तुम सीधा बोलो ना, बंदे ने मेहनत की इस पे यार, इंस्टा पे यार आपने जैसे हैक किया भाई, सिंपल बंदा है, इतना मेहनत करके तुम किसी को ऐसे क्यों कर रहे हो यार, सीधा बोलो ना भैया। भैया मैं तुम्हें सच बताऊं? हाँ बताओ भाई। यार भैया मुझसे, मैं भैया एक्टर काम करता हूँ, भैया मुझसे एक लड़के ने बोला ये अकाउंट हैक करना है, ठीक है? अच्छा हाँ हाँ, तो भैया मैंने उसने बोला कि आइए अकाउंट हैक कर दे, भाई मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, बात खत्म कर ले। सुबह से खोल रहा हूँ आईडी, नहीं खुल रही है, परेशान क्यों कर रहे हो? अच्छा एक काम करो, तुम क्या चाहते हो जो बोलो भाई, तुम क्या चाहते हो बोलो, बोलो जो तुम बोलोगे यार, भाई तुम भी हमारे भाई हो यार। भाई जैसे तुम्हारा काम राइडरिंग का है मान लो, ठीक है तुम्हारा काम राइडरिंग का है, मेरा काम हैक का भाई, मैं अकाउंट वगैरह हैक करता हूं, जो करवाता है उससे मैं पैसे लेता हूं, तुम राइडिंग और भाई तुम राइडिंग से पैसे लेते हो भाई, देखो सबका अपना अपना काम होता है। आपके साथ ऐसा कोई करेगा आपको अच्छा लगेगा? देख रहे हो कितना गंदा सीन हो गया भाई, अरमान का इंस्टाग्राम का अकाउंट ही एक बंदे ने हैक कर दिया, वो उत्तराखंड से आई थिंक शायद बोल रहा है, और बोल रहा है कि जम्मू के किसी क्रिएटर ने इसको बोला कि ये अकाउंट हैक करने को, अभी हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बोलता 10,000 दिए बंदे ने, बोला कि इसका इंस्टाग्राम अकाउंट ना उड़ा दो वहां से, इस बंदे से क्या बोलता है अगर अकाउंट को रिकवर करेगा, वो बंदा बहुत परेशान है अरमान यार। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है अभी उसको कॉल करके देखो जरा, अगर पैसे देगा आपको ना तो फिर बताना हमें, अभी आप उसको कॉल करो, आप बताओ कि भाई वो काम हो गया और पैसे सेंड करो, और बंदा दिखा हमें कौन सा है तो हम उसको ना मतलब देख लेंगे, उसके बाद हम आपको चलो रिकवर करने के पैसे भी देंगे, लेकिन अगर वो देगा आपको पैसे तो भी उत्तराखंड की आपकी बातों से पूरा पता चल रहा है भाई। मतलब रहने वाले बता रहा हूँ ना भाई आपकी लैंग्वेज से यार, हमारे भी सब्सक्राइबर है यार उत्तराखंड से यार, तो 3 लाख रुपए लेता है हैक करने का अकाउंट, तो फिर मर्सिडीज वगैरह तेरे घर पे खड़ी होगी शायद। 3 लाख में अच्छा तू तू एजेंट है? 1 hour later बस अकाउंट को वापस रिकवर करा दो, हम आपको पैसे दे देंगे कोई बात नहीं। अरमान के साथ कोई दुश्मनी वगैरह तेरे को या कोई ऐसे ही तूने खुद किया? तो पैसे दे दे यार, पैसे चाहिए थे तेरे को यार, आईडी थोड़ी हैक करनी थी तुमने क्या? आपको पता है अरमान इतना ज्यादा परेशान हो गया था यार, बंदे ने अकाउंट ही हैक कर दिया, अब वहाँ से अकाउंट को रिकवर करवा रहे हैं, बोलता मेरे को पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने अकाउंट हैक किया था, और साथ में बोलता आपने मेरा मैसेज सीन नहीं किया था। देखो यार अपनी ना सेफ्टी रखो, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंस्टाग्राम का भी ऑन कर दो, और यूट्यूब पे अगर तुम व्लॉग्स करते हो वहाँ भी 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दो। अभी अरमान का अकाउंट रिकवर हो गया, आप खुश हो ना तुम? और नहीं तो क्या भाई, इतनी ज्यादा मेहनत की थी तो आप अंदर से अलग ही लेवल की खुशी। अभी हमने बंदे के साथ ना एक बात का दुख है कि भाई यार रील्स ना जो अच्छी थी वहाँ पे ना वो डिलीट कर दिए उसने, लेकिन कोई बात नहीं, अब अकाउंट तो वापस आया ना तेरा भाई, बहुत बड़ी बात है, 25,000 फॉलोअर कम होते हैं क्या? पास ग्रीन कलर की RS मेरी वुल्फ और पीछे ना ये ब्लैक कलर का बीस्ट है जो कि लगा हुआ है, आज ना ड्रैग होने वाला भाई तीनों बाइक्स के बीच में, क्या रेस करेगा भाई, क्या रेस करेगा भाई? सामने देख रहे तुम ऑल्टो को क्या कर दिया भाई, ये टायर इसके बाहर कहाँ निकाल दिया भाई, भाई क्या है ओ भाई, ऑल्टो को क्या कर दिया, टायर इसके बाहर निकल तो नहीं जाएंगे इसे, आज तक ऑल्टो नहीं दिखे, वैसे भी इंस्टाग्राम पे मीम चल रहे हैं लॉर्ड ऑल्टो एग्जॉस्ट चलते हैं, इसके एग्जॉस्ट चलाना चलाना, 3-4 लाख तो मॉडिफिकेशन में लगा दिए हो इन्होंने इसको, सुन रहे हो भाई, लॉर्ड ऑल्टो की मॉडिफिकेशन देख रहे हो तुम, ओए विली मार के दिखा एक, मैं कोशिश करूं, ये क्या हो गया यार, बिल्ली ट्राई कर रहा था यार, मैंने इससे पहले बिल्ली नहीं मारी है, मेरे को तो आई नहीं मारनी है, तू मार बाइक से स्लांग मरवाऊंगा मैं, देख तो मेरी अवुल्फ यहाँ पे लगी हुई है भाई, ये क्या था, मेरी फुल फैमिली को ये भी पता चल गया भाई तुम्हारे ने पहली बिल्ली मारनी कब स्टार्ट की, आज ना पहला दिन है भाई, आज मैंने पहली बार बाइक को आगे से लिफ्ट किया, मैंने आज तक नहीं किया अपनी वुल्फ को लिफ्ट, मैं डर भी गया थोड़ा थोड़ा, अभी ना वुल्फ को फिर से देखते कितना जाती है इस बार टॉप एंड इसका, तो अभी हम सिद्रा पहुंच चुके हैं 52 79, अभी आगे स्कॉर्पियो भाग रही है यार,
गया। ये चेक करो मेरा क्लच फ्री हो गया यार, क्लच दबी नहीं रहा है, ऐसे बंद हो जाएगी, ये देख रहे हो फ्री हो गया यार, अंदर से वायर कट गई शायद क्लच की। अब मैं बाइक कैसे रोकूंगा यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने सरताज भैया को बोला था वायर नहीं वाली डलवा देना, शुक्र है यार मैं स्लो में हूँ अभी। ये देखो बिल्कुल फ्री हो गया भाई, क्लच पकड़ने से कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पे रुकूंगा नहीं, फिर ना मेरी बाइक नहीं चल पाएगी अगर मेरा क्लच ही नहीं काम कर। पता नहीं यार क्या सर्विस करते हैं, लास्ट टाइम मैंने सरताज भैया को बोला था वायर चेंज करने के लिए यार, मतलब हम बाइक भी तो ये चलाते अगर कहीं गिर गया होता रास्ते में तो। ये देखो मैं गियर ऐसे ही चेंज कर रहा हूँ भाई यार, क्लच दबाए बिना मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे ना गियर बॉक्स भी खराब हो जाता पता आपको, ऊपर से डल भी नहीं रहा गियर, जबरदस्ती डाल रहा हूँ गियर यार ऐसे इसमें ना बाइक में, दो रही है खुद से यार, क्लच दबी नहीं रहा है, बाइक खुद ही चल रही है। भैया साइड हो ना, ओ यार कहाँ लगाऊँ यहाँ, होगी बंद खुद से भाई। अब कल ही पता चल जाएगा, कल ब्लॉग शूट करूंगा और कल लेके जाऊंगा इसको कंपनी में जो भी है। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग अपना ध्यान रखना, राइड सेफ राइड हार्ड, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।